दर्शक बंधु आम सहित केन्द्रमंत्री अच्छा जिकि बंदर एवं जहाज चलाचल परिवहन केन्द्र मंत्री शांतनु ठाकुर तबे आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा जहाँ रही सहित सर आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करता हूँ सर। पहले सर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा सर, केंद्र सरकार में गरीब कल्याण योजना उसके फायदा लोकमान को मिलता है ना नहीं मिलता है? देखिए गरीब कल्याण जो योजना है ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि कोविड जब चल रहे थे तब हमने पूरे भारतवर्ष में 83 करोड़ लोगों को रेशन दिला के हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को मिशन को पूरा किया। मतलब के 83 करोड़ लोगों को रेशन देना ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात होता है। और विश्व में जब कोविड महामारी चल रहा था तब सिर्फ खुद की देश को ही नहीं बाहर देश में भी मेडिसिन भेजकर दूसरे लोगों को दूसरे कंट्री को मदद करना एक बहुत बड़ा सोच है, और इसी के नाते ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले हुआ था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो इतना बड़ा गरीब कल्याण काम ये पहली बार नज़र में आ रहा है भारतवर्ष में, और कोविड के समय में ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। सर दूसरा सवाल रहेगा सर, हैदराबाद में जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया था जिस राज्य में 2024 इलेक्शन में बीजेपी सरकार गठन करेगा सर उसी हिसाब से राज्य उड़ीसा राज्य भी है उसी तालिका से, तो सर आप कैसे उम्मीद करते हैं 2024 के जो इलेक्शन आ रहा है तो लोग माने बीजेपी को वोट देंगे सर? देखिए विधानसभा का वोट एक तरीके से होता है, उसका स्ट्रैटेजी बताइए, उसका पब्लिक डिमांड बताइए, वो लोकल इशू पे आता है, और लोकल इशू में मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के इशू पे आता है। लेकिन 24 का जो लोकसभा होगा, लोकसभा में सेंट्रल में कौन रहेगा ये इशू अलग होता है। तो ऑफ कोर्स माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सरकार पिछले 8 सालों में जो किए हैं पूरे भारतवर्ष में जितने स्कीम्स दिए हैं वो तो एकदम जैसे कि विजिबल है, सब लोगों को जानकारी में है कि क्या हुआ है पिछले 8 साल में और वो भारत सरकार के द्वारा हुआ है। तो इसका जो वोट पॉलिसी है, इसका जो वोट है वो अलग होता है। ये तो डेवलपमेंट के आधार में केंद्र सरकार में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी आएगा वो तो तय हो चुका है। ठीक है सर, सर अगले क्वेश्चन सर सवाल रहेगा मेरा सर, सर यदि 2019 में देखेंगे सर उड़ीसा राज्य में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो 38% हाराहारी रहता है, फिर 2019 में जो विधानसभा रहता है जो निर्वाचन हुआ है तो उसी हिसाब से वोटिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसी हिसाब से क्या देखते हैं सर राज्य सरकार में? देखिए मैंने वो जो पिछले आपके सवाल में मैं बोल दिए कि जो परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा में आए हैं उसका एक अलग हिसाब होता है पब्लिक के अंदर, क्योंकि वो स्टेट में कौन गवर्नमेंट आएगा, स्टेट का कौन लोकल गवर्नमेंट बनेगा इशू है वो अलग है। लेकिन सेंट्रल में सेंट्रल का जो भूमिका है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है और दूसरे पार्टी मिलकर जो एनडीए सरकार है इसका क्या भूमिका था ये विचार होगा। और पब्लिक जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या काम किए हैं और क्या काम करने वाले आगे जाके, क्या क्या हमारा उद्देश्य है सब आप लोगों को पता है, तो इसी के हिसाब से लोग वोट करेगा 24 में। 24 में तो लोग उम्मीद कर रहे हैं वोट देंगे आपको? हाँ बीजेपी में वोट नहीं करेंगे तो किसको वोट करेंगे? आप देखिए ना पिछले आज़ादी के बाद 75 साल हुआ है आज़ादी का, तो लास्ट 8 सालों में फोकसिंग में विजिबिलिटी में क्या क्या आए हैं लोगों के पिछले 8 साल में और पिछले 70 साल में क्या आए हैं वो थोड़ा कंपेयर करिए, उसी के हिसाब से हमारा सरकार ने जो किया है वो बहुत फास्ट है और वो पब्लिक के डिमांड के तहत वो बहुत ज़रूरी था ये करना, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का सरकार को मिलने वाला है। सर बीजेपी सरकार गठन करने में कितने ईजी है सर? कहाँ राज्य में हो? देखिए राज्य के हर एक स्ट्रैटेजी को हर एक रणनीति को हम नहीं जानते, लेकिन सेंट्रल में तो ये आते हैं आएंगे जरूर। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन सर सवाल रहेगा सर, उड़ीसा में जो कोस्टल बेल्ट है 480 किलोमीटर है, तो इसी हिसाब से 2 पोर्ट कार्यक्रम कर रहे हैं सर, उसी हिसाब से राज्य सरकार ने बोले थे 14 पोर्ट होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो पा रहा है सर?
देखिए कुछ कुछ चीज होता है, राज्य सरकार सहयोगिता जो करना है, सहयोग जो करना है वो नहीं हो पाता है। यहाँ हमारे जो उड़ीसा में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्ट है पारादीप, उसका जो लोग वर्तमान जो उसका जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, परफेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। और जो लोकल पोर्ट है उसके इशू में, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्ट पारादीप वो बहुत अच्छा जा रहा है और आगे जाके एक बहुत बड़ा भूमिका रोल प्ले करेगा पारादीप। वैसे भी करते थे बाहर से जितने सारे कोल वगैरह आते थे, पारादीप डायरेक्ट हैंडल करते थे उसको, तो फिर कोविड के कारण थोड़ा सा रुक गए थे, सारे बिजनेस रुक गए, वैसे ये भी तो थोड़ा बहुत रुके हैं, लेकिन फिर चालू हुआ है धीरे धीरे। और पूरा उड़ीसा का जितने सारे बॉक्साइट है, मैंगनीज है, तो ये पारादीप ही, पारादीप से ही सब कुछ दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो इसके द्वारे मैं कह सकता हूँ पारादीप आगे जाके और भी बहुत बड़ा भूमिका पालन करने वाले हैं, और यहाँ का चेयरमैन का भी बहुत अच्छा काम हमने देखे हैं। सर उड़ीसा में देखेंगे तो उस हिसाब से संभावना है जो पोर्ट बनाने के लिए, तो राज्य सरकार क्यों उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर? देखिए राज्य सरकार का ये प्रॉब्लम है, हम तो चाहेंगे हमारा सेंट्रल का पोर्ट बढ़े और जहाँ जहाँ हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो पोर्ट है वो पोर्ट को हम बढ़ावा दे, ये हमारा इच्छा है, लेकिन राज्य सरकार के कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज़मीन उनके हैं, जहाँ हमारे सरकार नहीं है और उनका गवर्नमेंट नहीं है वह तो नहीं कर पाएंगे। ये इशू थोड़ा बन जाता है, थोड़ा ये हमारा जो युक्त राष्ट्रीय कठाम है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा समस्या है राज्य सरकार के तरफ से, इसी का कारण सब कुछ नहीं हो पाता है सब समय। ठीक है सर, जो देखेंगे तो जो उड़ीसा राज्य में बहुत सारा जो सी बीच है व विस्तीर्ण बेलाभूमि है, उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट उड़ीसा क्यों फायदा नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया तो आगे जाके होगा, सागरमाला के तहत बहुत सारे डेवलपमेंट उड़ीसा में होने वाला है। वैसे तो एक सड़क के बात हुआ था 14 में, ये शायद उद्घाटन भी किए थे, उसके विषय में भी हाँ सोच रहे हम लोग, तो वो भी होगा। और कोस्टल में आगे जाके बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो उड़ीसा एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं फायदा ले पा रहा? नहीं, इसका थोड़ा क्या क्या डेवलपमेंट होगा इसके विषय में हम लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू होगा। अभी तो नहीं हुआ इसलिए कोई कर नहीं पा रहे हैं क्या है क्या है, क्योंकि अगर हम लोग पॉलिसी नहीं तैयार करेंगे तो क्या एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है सर, सर पहला सवाल मैं फिर सवाल रहेगा सर, एनडीए में राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है सर, उसी हिसाब से वो राष्ट्र राजनीति में कैसे प्रभाव पड़ेगा उसका? एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, ये सोच पहले हमने कभी नहीं देखे हैं। एक ये आदिवासी समाज से, और वो भी महिला, ये पहली बार एक बहुत ग्रेट सोच है, पॉलिटिक्स से उठकर ये सोचा गया है, और मेरे ख्याल से इस सोच के लिए दूसरा जो पार्टी है वो भी समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि इतना महान सोच, महान सोच के कारण एक भारतवर्ष का एक ऐतिह्य, एक गौरव होने वाला है, और ये सोच एकमात्र माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा 100% पॉजिटिव है, हर एक जगह में, हर एक लोगों के पास, हर एक भारतवासी के पास, जो जो भी सोच रहे, जो भी देख रहे हैं, ये विषय में हमारे माननीय पद प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करेंगे। सर उसी हिसाब से देखेंगे तो अब तक 27 दल जो है उसको समर्थन कर रहे हैं सर, तो उसका प्रभाव कैसे आएगा सर? ये तो बोला मैंने कि वो लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों को समर्थन करने का एक ही कारण है, कितना बड़ा सोच है एक आदिवासी समाज के महिला, जो महिला को इतना बड़ा सम्मान, भारतवर्ष का पहला नागरिक का सम्मान, राष्ट्रपति का सम्मान दिया जा रहा है, ये तो समर्थन करेगा ही। सर जो धमरा जो बंदर है, धमरा पोर्ट है सर, उसका जो स्थानीय यूथ का है उसको जो नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप जो कल जाएंगे सर उसके कंपनी के साथ तो बातचीत करेंगे क्या, वो जिसने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं है, देखिए पोर्ट के पास बोलेंगे अगर नौकरी सर्विस हो जाएगा, ऐसा नहीं है पोर्ट का हालत,
थोड़ा बहुत जो होता है उसका अलग पॉलिसी है, उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, एग्जाम देकर वो होता है, वो बहुत सारे चीज़ है। लेकिन सारे डेवलपमेंट के विषय में लोकल हेल्प के लिए, फैसिलिटेशन के लिए जो जो डिस्कस हमको करना है वो तो पोर्ट में जा रहे हैं, हम जाके हम डिस्कस करेंगे इस विषय में। ठीक है सर, ये जो धामरा में जो है एक ही इंडस्ट्रियल आ रहा है उसको उसी हिसाब से धामरा में और कुछ केंद्र सरकार का योजना है क्या, इंडस्ट्री आएगा क्या? नहीं, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, अगर कुछ होगा तो हम जरूर बताएंगे, अभी तक हमको जानकारी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है ना सर, क्या कहेंगे, जेहेतु ये भद्रक कोस्टल बेल्ट है बा फ्लोड एरिया है, जो बैतरणी नदी है, रिवर है सर, उसके दो एस्केप है, जहाँ के कट्टीघाई है और बाली पुकुरी एस्केप है, तो हर वर्ष बाढ़ आते हैं, तो उसी हिसाब से सर कैसे देखेंगे, कोई केंद्र का योजना है उसको बाढ़ को रोका जा पाएगा, वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए, केंद्र का तो इशू डायरेक्टली नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि राज्य सरकार दूसरे गवर्नमेंट है, राज्य सरकार को सोचना चाहिए विषय में, और केंद्र से अगर वैसा कुछ हो जाए तो जरूर केंद्र हेल्प करेगा ना राज्य को इस विषय में। सर आखिरी सवाल है सर मेरा, सर क्या कहेंगे जो 3 दिन भद्रक गश्त में है, क्या क्या लक्ष्य रखा है सर? बेसिकली हमने यहाँ पर पार्टी के प्रोग्राम के लिए आए हैं, पार्टी का एक अलग प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम के लिए यहाँ का जो ये लोकसभा है, लोकसभा में हमारा प्रवास है, इसके कारण ही आए हैं। धन्यवाद सर। आपण देखिपे आम सहित थे केन्द्रमंत्री बंदर और जहाज चलाचल मंत्री शांतनु ठाकुर, से समस्त सहयोग करते कहते कि राज्य में आहरी अनेक बंदर जो पारादीप बंदर अच्छी तार उन्नतिमूलक कार्य चली, कोविड टी ढिल कम रही जाता है, कि आहरी भी अनेक केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार योजन कार्य कर लोक मैंने बहुत किसी उपकृत पाइबे, से सब विषय आलोचना करुले आम सहित आलोचना करूँ, तेज आजिकार 1-to-1 को ये रखु। नमस्कार।